Lecture 7, Program to Print a Name with Characters. Lecture 5 मैंने बताया था कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटैक्स के रूल्स क्या होते हैं, और एक सैम्पल प्रोग्राम बनाया था टू प्रिंट अ सिंगल करेक्टर. लेक्चर 6 में हमने डोजबॉग इंस्टॉल किया और उसके ऊपर वो प्रोग्राम रन किया था. आज हम बनाएंगे, एक नाम प्रिंट करेंगे करेक्टर्स की हेल्प से, मतलब एक नाम ए एल एंड आई, एक नाम है तो ए इसमें एक सिंगल करेक्टर है, एल इसमें एक सिंगल करेक्टर है, आई एक सिंगल करेक्टर है. तो अगर हम सब अलग अलग प्रिंट करें तो एक नाम प्रिंट हो सकता है करेक्टर्स की हेल्प से. तो आज हम वो प्रोग्राम बनाएंगे. तो डोज बॉक्स हमने खोला, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो फिज़िकल फोल्डर होगा जहाँ हमारा मैजम लिंक पड़ा हुआ है, सबसे पहले वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे माउंट की हेल्प से. तो हम लिखेंगे माउंट, जिस नाम से यहाँ पे लिंक करना है तो हम वो लिखेंगे नाम सी, सी के नाम से करता हूँ मैं, और सी के बाद वो फिज़िकल पाथ जहाँ हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है. इंटर किया, माउंट हो गया. अब हम सी को खोलेंगे क्योंकि हमने सी के नाम से यहाँ पे माउंट किया है. अब हम वर्चुअली कहाँ कनेक्ट हो गए, इस फोल्डर में. नई फाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं एडिट, या बनी हुई होगी तब भी हम एडिट लिख के उसको खोलते हैं. तो हम नई बनाते हैं. लेक्चर 6 में हमने बनाया था फाइल 1 जिसमें सिंगल करेक्टर प्रिंट किया था. आज हम फाइल 2 बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे नाम. ठीक है, फाइल नेम डॉट asm, ये हमारी खुल गई फाइल. इसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे टू प्रिंट अ नेम विथ करेक्टर्स. तो सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है ताकि हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे. तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के जो जो पार्ट्स थे वो लिखते थे. सबसे पहले कमेंट, जो कि हमारा टाइटल होगा, सेमी कोलन से स्टार्ट होता है कमेंट. तो हमने लिखा यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम विथ करेक्टर्स. उसके बाद डॉट सेगमेंट, डॉट सेग, डॉट सेगमेंट. उसके बाद डॉट मॉडल स्मॉल, ये हमारा स्पेस डिफाइन करता है प्रोग्राम का, जो कि मैंने आपको लेक्चर 6 में समझाया था. उसके बाद डॉट स्टैक 100H, उसके बाद डॉट डेटा, फिर डॉट कोड, उसके अंदर प्रोसीजर मैन प्रोक, और फिर इसको एंड करेंगे प्रोसीजर को, मैन एंड प्रोसीजर और एंड मैन प्रोग्राम, एंड हो गया. इस प्रोसीजर के अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे. तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया. तो सबसे पहले हमारा टास्क होता है कि हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट लिख दें ताकि हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में किसी तरह की गलती ना हो. तो मैंने आपको बताया था कि ये पहला जो हम टाइटल लिखते हैं तो सेमी कोलन से लिखते हैं, क्योंकि ऐसा कमेंट होता है ये किस्म का, जो कि प्रोग्राम रीड नहीं करेगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा. लेकिन ये हमारे लिए आसान होता है, हम इसको पढ़ सकते हैं कि प्रोग्राम है किसका. उसके बाद डोज सेगमेंट, ताकि हमारे सेगमेंट में किसी तरह की गलती हो तो वो डोज खुद ही संभाल लें. उसके बाद हमने स्पेस डिफाइन किया स्मॉल के साथ कि हमें स्मॉल स्पेस चाहिए, कि कोड और डेटा दोनों सेगमेंट का साइज कितना होना चाहिए, डेटा और कोड का दोनों का लेस देन 64 KB, मैंने आपको बताया था. फिर डेटा और कोड, डेटा के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं और कोड के अंदर हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं. तो हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं. अभी हमें नाम प्रिंट करना है अली, तो सबसे पहले ए प्रिंट करना होगा. तो प्रिंट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए हम कौन सा रजिस्टर यूज़ करते हैं, अकुमुलेटर, जो कि मैंने आपको बताया था. तो हम अकुमुलेटर को बोलेंगे कि प्रिंट कर दो, लेकिन अकुमुलेटर कहाँ जाएगा, सीधा डेटा रजिस्टर के पास, जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा. तो हम सबसे पहले डेटा रजिस्टर के पास भेजेंगे जो हमें प्रिंट करवाना है. तो हमें लिख दिया मूव DL करेक्टर, करेक्टर को हमने सिंगल कोट में लिखते हैं, इस तरह मैंने आपको बताया था. अब DL के पास चला गया A. अब हम मूव एच को बोलेंगे जाके प्रिंट कर दो टू, टू सर्विस रूटीन है जो कि एच को बोलेगा जाके प्रिंट करना है. अब इसको प्रिंट करना है, लेकिन कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर. तो उसके लिए हम इंटरप्ट कोड करते हैं INT21H, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर 5 और 6 में. अब ए प्रिंट हो गया, अब हम इसी तरह एल प्रिंट करेंगे. तो फिर हम दोबारा डील के पास भेजेंगे एल, और इस तरह फिर दोबारा एच को बोलेंगे प्रिंट कर दो, और फिर इंटरप्ट कोड कर देंगे. पहले हमने ए भेजा था तो उसने ए प्रिंट कर दिया, लेकिन अब हमने डीएल में
एल भेज दिया, तो जहाँ ए पड़ा हुआ था उसके ऊपर ये जाके ओवरराइट हो गया और फिर इसको मैंने कह दिया प्रिंट कर दो। अब डीएल के पास सिर्फ और सिर्फ एल बचा था जो उसने प्रिंट कर दिया, और फिर इसी तरह दोबारा डीएल के पास भेजेंगे आए, फिर ऑपरेटर को बोलेंगे जाके प्रिंट कर दो और इंटरप्ट कॉल कर देंगे। अब पहले ए प्रिंट हुआ, डीएल के पास ए सिर्फ ए था, ए प्रिंट कर दिया। डीएल के पास हमने दोबारा एल भेज दिया, ए चला गया, ए के ऊपर ओवरराइट हो गया एल, फिर एल हम प्रिंट हो गया, फिर उसके ऊपर हमने आए तो भेजा ही नहीं, ये आए आए भेज दिया। तो अब एल चला गया, एल के ऊपर ओवरराइट हो गया आए, अब आए को हमने प्रिंट कर दिया, लेकिन रजिस्टर से निकलना भी तो है वापसी, एग्जिट फ्रॉम रजिस्टर जो मैं आपको मैंने बताया था। तो हम मूव एच को फोर सी एच भेजेंगे सर्विस रूटीन, जिसका मतलब होता है टू एग्जिट फ्रॉम रजिस्टर या टू कमांड कंसोल विंडो बैक। तो अब इंटरप्ट कॉल कर दिया हमने 21H, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं, और अगर कोई गलती आती है, कोई एरर आता है, तो हम इसी को रन टाइम पे यहीं पे रिजोल्व करेंगे, इससे हमारी डिबगिंग भी सीखने की सलाहियत पैदा होगी। तो हम इसको सेव करते हैं, सबसे पहले अपना प्रोग्राम चेक करते हैं खुद ही। डॉ सेगमेंट लिखा, मॉडल लिखा, स्टैक लिखा, कोड लिखा, प्रोसेस बना दिया, प्रोसेस को हमने एंड भी किया हुआ है और प्रोग्राम को एंड किया हुआ है। डील के पास हमने ए भेज दिया उसको प्रिंट कर दिया, डील के पास एल भेज दिया उसको प्रिंट कर दिया, डील के पास आई भेज दिया उसको प्रिंट कर दिया, और फिर निकल गए आगे रजिस्टर के से। प्रोग्राम कंप्लीट सही है हमारा, इसको सेव किया, अब हम इसको एग्जिट करेंगे। अब इसको चलाना है, उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एसएम फाइल को रीड करेंगे मैसम से, MASM फिर फाइल टू डॉट ASM सेमी कोलन यहाँ लगेगा, कोई एरर नहीं है। अब इसको लिंक करना होगा, लिंक क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल जो इसके बाद बन चुकी होगी, तो फाइल टू डॉट OBJ यहाँ सेमी कोलन लगेगा, कोई एरर नहीं है। अब इसको चलाना है, तो फाइल टू डॉट exe, ये देखें अली लिख के आ गया, थैंक यू एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।